विकासखंड बमसन के तहत आने वाले गांव जिजबी में रविदास जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राज्य प्रवक्ता दीपक शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सर्वप्रथम भगवान रविदास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको और उनकी शिक्षाओं को याद किया गया। उन्होंने कहा कि संत रविदास की शिक्षाएं हमें जाति पाति के बंधन से मुक्त होकर एकजुट होने का संदेश देती हैं। उन्होंने कहा कि रविदास सही मायनों में एक संत थे। यदि इस पीढ़ी के लोग उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करें तो जीवन में सफलता सुनिश्चित है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की किसान विरोधी और बढ़ती महंगाई पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर से लेकर खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं, लेकिन सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई को और बढ़ा रही है। इस दौरान पंदेड़ चमनेट से ब्लॉक समिति सदस्य सीमा देवी, ब्लॉक समिति सचिव सुनील कुमार, सुगंध शर्मा, मेहर सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बिना जाति पाति धर्म क्षेत्र को देखते हुए जब उसकी पीड़ा को समझेगा, सही माने में वही समाज का जन प्रतिनिधि होता है। आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि अपने हर व्यक्ति की पीड़ा करना, उसके दुख दर्द को दूर करना, अपनी समस्याओं को राजनीति से ऊपर उठकर जो है वो कहना और अपने अंदर अभिमान घमंड को कभी ना लाएं, ये शिक्षा जो है हमें पूज्य संत जी ने दी। इसलिए आज के दिन रविदास जी को नमन करते हुए आप सबसे भी यही निवेदन करूंगा कि हम सब इस उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलें, खासकर नौजवान जो हैं वो उनकी शिक्षा से प्रेरणा लें, ताकि हमारे आने वाला कल जो है, हमारा जो भविष्य है, उसमें समाज में एक रूपता हो, समाज में कोई भेदभाव ना हो, वैमनस्य ना हो, बैर ना हो। आज स्थिति ये है कि आदमी अपने इस भावना से बाहर निकलना है, हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति आगे बढ़े, उसकी खुशी हो, उसका दुख ना हो, ये भावना जब हमारे अंदर होगी तो निस्संदेह हम पूज्य संत जी की वाणी के ऊपर समझेंगे कि हमने कुछ इनका पालन किया है, इसके ऊपर हम चलेंगे। मैं आपसे ज़्यादा ना बोलता हुआ कुछ एक बातें आपसे करना चाहूँगा। आज समाज में जिस तरह की विकृतियाँ हैं, जिस तरह से आज समाज में जो चीज़ें व्याप्त हैं, कुरीतियाँ कह लो आप उनको, और सबसे बड़ी कुरीति क्या हो गई है, नशे की प्रवृत्ति। आज जो है वो नशे में लोग डूबे हुए हैं, उससे बाहर निकलने का हमने जो है वो प्रयास करना है, ताकि समाज में एक स्वस्थ समाज हमारे बीच बन सके। आप सब प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, आपके गांव की जो भी समस्याएं हैं, आप, मैं हर जगह इस बात को कह रहा हूँ,